लेकिन दोस्तों आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन हमारी रहती है क्रॉस कंट्री। तो हम एचआर ग्राउंड में सभी की सभी आज लंबे राउंड दे रहे हैं, जो कि हम 5 बजे रनिंग स्टार्ट की थी। अभी देखो बैच चल रहा है, 5:40 हो चुके हैं, इनका एक राउंड और बचा है। आप देख सकते हैं, तो मैं आपको क्रॉस कंट्री के फ़ायदे बताता हूँ। आपको शनिवार का दिन चुनना है सप्ताह में एक दिन, चाहे आप एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 से 5 किलोमीटर दूरी है, जैसे 6 किलोमीटर की दूरी है, तो 6 किलोमीटर जाइए, 6 किलोमीटर वापस आइए, तो टोटल 12 किलोमीटर की हो जाएगी। तो जो ये सोचते हैं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वाकई में मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस कंट्री सप्ताह में एक दिन ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो क्रॉस कंट्री नया बच्चा होता है, एक तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक उसका सांस की समस्या है वो गायब होती है, एक पैरों में दर्द होता है वो होता है, एक उसके अंदर वो आ जाता है कि मैं इतनी रनिंग कर सकता हूँ, तो वो 1600 मीटर भी कर सकता है। ये इसके फ़ायदे हैं। आप एक या तो 10 से 12 किलोमीटर की राउंड के अंदर 10 से 15 राउंड लगाइए, ये हो सकता है, या 25 राउंड लगाएं तो 10 से 12 किलोमीटर की हो जाएगी। हमने तो आज हमारे ग्राउंड में ही लगाया है। कई बच्चे रोड पे जा सकते हैं, बीच रनिंग कर सकते हैं, हिल रनिंग कर सकते हैं, पर शनिवार का दिन एक साथ कोई भी सप्ताह में एक दिन चुन लीजिए, जैसे आपकी लंबी रनिंग कर सकते हैं। या फिर आप 40 से 50 मिनट टाइमिंग लगा लीजिए, चाहे रनिंग कितनी हो, 40 से 50 मिनट आपको कंटिन्यू दौड़ना है। आपको सांस में समस्या की गायब करनी है, सांस की समस्या है, या फिर जिसे स्टेमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ करनी है, या कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। शनिवार के दिन या कुछ भी एक दिन आप चुन लीजिए, उसके दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। शनिवार को शाम का रेस्ट रखिए, संडे का रेस्ट रखिए, और मंडे का अपना टाइमिंग का टेस्ट लीजिए। ये चीज़ बताइए जो आप करके फॉलो ज़रूर करके देखिए। आज हमारा लास्ट दिन है इस हफ्ते का, जो मैंने आपको हर हफ्ते का पार्ट वाइज डाला है। तो जो मैंने ये आपको बताइए सीरीज, जो वर्कआउट किया, फॉलो करके दीजिए, आपका टाइमिंग जो भी आ रहा है उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगा। अगर इस टाइमिंग में आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो डाइट पर विशेष कर ध्यान रखिए। अगर डाइट नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं, 70% डाइट रनिंग में, 30% रनिंग का वर्कआउट काम में आता है। रोज़ अलग अलग कीजिए। ये हमारे राउंडिंग का एसआर ग्राउंड में देखो चल रहा है बैच, ये फिनिशिंग हो गया है, अभी 10 से 12 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है। जो कंप्लीट हो गई है, अभी रिलैक्स करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे, शाम को स्ट्रेचिंग रहती है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए आपका भी कैसा इंप्रूवमेंट चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।